नवगछिया के गोपालपुर प्रखंड में बने रिंग बांध का एक बड़ा हिस्सा टूटने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उस दिन क्या हुआ, कैसे यह बांध टूट गया, लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे बात करेंगे कि उस दिन क्या हुआ, क्या कर रहे थे वो लोग जब उनको पता चला कि यह बांध का एक हिस्सा टूट गया और लोगों का घर व सामान पूरी तरीके से पानी में बहने लगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या हुआ था उस दिन? सुबह 7 बजे, काल सुबह 7 बजे से भेरा लगभग 1:15 बजे से वो देखो कितना घर द्वार कट गया, कितना बस गया उसका। यहाँ पे कितने परिवार बसे होंगे? लगभग तो अभी ढेर बसा है, लेकिन कितना चला गया आगे। अच्छा, आप लोग को पता नहीं लग पाया कि बांध कटने वाला है? नहीं, उतना पता नहीं लगा कि बांध कटने वाला था, लेकिन कट गया। कैसे, क्या कर रहे थे आप? हम लोग खाना बना रहे थे, चावल हुआ था, भात अभी दाल चढ़ाए थे, तब तक कटने, जब बांध कटने लगा बस छोड़ छाड़ कर हम लोग आ गए देखने के लिए। यहाँ पर जब आए तो पूरा बांध, इतना तो जानते हैं कि बगल में है, पर इतना नहीं जान रहे थे गंगा माँ इतना जल्दी ले लेगा, लूट लेगा। बस वहाँ से खाना छोड़ के हम लोग आए देखने, तब तक में बांध पूरा लूट लिया। तो हम लोग क्या, मतलब लोगों का खाना चढ़ा था और एक तरफ गंगा माँ अपने आप कटना लगा। हाँ, कटना चालू कर दिया। कितना परिवार लगभग इस बांध पे बसा होगा? बहुत, 100-200 से बेसी है अभी। आप लोग कहाँ से आके यहाँ बसे थे? यहाँ तो पहले कट चुका था, बिन टोली से कटा तो बांध पर दिया सरकार, बांध पर से बांध भी कट गया। अब बांध भी कट गया। हाँ, अब क्या कीजिएगा, आप कहाँ जाइएगा? आप जहाँ सरकार देगा वही न, हम लोग को तो कहीं है न, जो भी खेत पति था सब कट गया, अब हम कहाँ जा सकेंगे? जहाँ भी सरकार देगा वहीं पर हम लोग चल जाएंगे। ऐसे भी है अभी जहाँ तहाँ रोड पर सामान छिड़िया है, आधा ले गए हैं, आधा भी धर ले, घर में से सामान भी निकाल रहे, तो वहाँ मोटका सांप घुस गया था, सामान भी नहीं निकाल पाए हम लोग। अच्छा, जब सुने कि बांध टूट गया तो कैसा लग रहा था उस टाइम? कैसा लगा, सब छवा गए थे सर यहाँ, जो कि हम लोग सामान निकालेंगे कि अपना जान बचाएंगे, बकरी नेमना बच्चा सबको लेकर हटना पड़ा। तो आपने सुना कि कितना भयंकर मंजर था उस दिन का, यानी कल सुबह 7 बजे का वह समय था जब यह बांध का एक बड़ा हिस्सा गंगा नदी में समा गया। लोगों का खाना चढ़ा हुआ था, वह खाना भी नहीं बन पाया और माँ गंगा अपने साथ पूरे सामान को बहा ले गई। यह मंजर आपको सुनकर ही परेशान कर रही होगी। हम पुनः एक बार वो तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से ठीक बगल में 14 नंबर सड़क पड़ती है, पानी का दबाव उस पर भी पड़ रहा है, लगातार वहाँ पर प्रशासन कैंप कर रही है, प्रत्येक जगह पर प्रशासन को कैंप पर लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। वहां पर जियो बैग डाला जा रहा है, आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि एसडीआरएफ की टीम लोगों को लेकर ऊपरी स्थल पर जा रहे हैं ताकि यहां से जो लोग हैं वो विस्थापित कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं लगातार। ठीक उसके बाद वो तस्वीर दिख रही होगी कि जियो बैग अब डाला जा रहा है। कटाव से पूर्व जब 15 करोड़ की राशि इसमें खर्च की गई तो उस समय वह जियो बैग क्यों नहीं डाला गया, यह भी एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि आपको बता दें कि 14 नंबर पर भी लगातार दबाव बन रहा है, उस पर भी प्रशासन कैंप कर रही है और जियो बैग डालकर उसको संभालने की कवायद शुरू कर दी गई है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर ज्यादा दबाव बनता है तो 14 नंबर का हिस्सा भी टूट सकता है और लाखों लोगों का आवागमन प्रभावित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि बचाने में प्रशासन कामयाब हो पाती है या एक बार पुनः माँ गंगा के गोद में 14 नंबर सड़क भी समा जाती है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।